हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? और मेरा नाम है मनिंदर सिंह गोला। और आज इस स्पेशल वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन जो सब लोगों को परेशान कर रहा था और बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा इसके बारे में कि हम ओ फाउंडर ही क्यों करें, ऑन पैसिव कंपनी के अंदर हम ओ फाउंडर ही क्यों करें। ऐसा क्वेश्चन आप सब लोगों से भी बहुत सारे लोगों ने शायद पूछा होगा, और अगर नहीं पूछा है तो ये भी एक क्वेश्चन है और इसका जवाब आपके पास होना चाहिए। और आपका आपके पास अगर इस क्वेश्चन का जवाब होता है तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छे लीडर में आपकी गिनती आती है। तो इसका जवाब मैं आप सब लोगों को दूंगा। और अगर ये क्वेश्चन आपसे कोई भी करता है तो आप उसको ये वीडियो भी सेंड कर सकते हैं या फिर अपनी लैंग्वेज में आप उनको बता भी सकते हैं। दोस्तों, हमें ओ फाउंडर क्यों करना चाहिए ऑन पैसिव के अंदर? बाकी तो जब कंपनी लॉन्च हो जाएगी, फाउंडरशिप बंद हो जाएगी, तो सारे के सारे लोग ग्राहक बन के ही रह जाएंगे। कस्टमर तो बनने ही बनने हैं, लेकिन जो फाउंडरशिप में जो लोग आ जाएंगे तो वो तो अपनी एक अलग पोजिशन पर ही रहेंगे। वो तो सभी ग्राहकों से ऊपर ही रहेंगे, सारे कस्टमर से हमेशा ऊपर ही रहेंगे। तो हमें ओ फाउंडर क्यों करना चाहिए, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो इसका आंसर सिंपल सा है, यह हमारे लिए एक पैसिव इनकम प्रदान करेगा जो हमारे कई पीढ़ी तक के लिए है। जी हाँ दोस्तों, पैसिव इनकम की चाह हर व्यक्ति को होती है, और एक ऐसी इनकम होती है जो कभी भी निष्क्रिय नहीं होती है। निष्क्रिय का मतलब ये होता है कि कभी भी ख़त्म नहीं होती है, और इसीलिए इसको हम पैसिव इनकम बोलते हैं। यह ब्लॉकचेन पर आधारित होगा, अतः हम ये कह सकते हैं कि ऑन पैसिव कभी बंद या डिलीट नहीं किया जा सकता। जी हाँ, ब्लॉकचेन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें एक बार प्रोग्रामिंग को, किसी भी प्रोग्रामिंग को डाल दिया जाता है तो उसको ना तो कोई हैकर हैक कर सकता है, ना तो कोई डिलीट कर सकता है, ना एडिटिंग कर सकता है, ना ही उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई छेड़खानी की जा सकती है। यहाँ तक कि जो कंपनी का जो ओनर है, कंपनी का जो मालिक है, उसके हाथ में भी ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। इससे हम विश्व स्तरीय कोर्स कर सकते हैं और व्यवसाय करने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो ऑन पैसिव है ना, ये एक बहुत ही विश्व स्तरीय प्रोग्राम है। ये एक विश्व स्तरीय एक प्रोजेक्ट है, यानी कि वर्ल्ड लेवल का प्रोजेक्ट है, जहाँ पर हम एक बहुत बड़े बड़े व्यवसायों के अंदर हमारी ये जो डिजिटल प्रोडक्ट हैं, ये सारे के सारे डिजिटल प्रोडक्ट काम में आने वाले हैं। और यहीं से ही हम अपना एक बहुत बड़ा व्यवसाय और एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म लोगों को उपलब्ध करा सकते हैं। संकटकालीन स्थिति में विश्व स्तरीय मदद मिलेगी यहाँ पे, और डाटा चोरी होने से बचाएगा, क्योंकि ऑन पैसिव का खुद का डाटा सेंटर होगा। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है हम सब लोगों के पास में, कि अगर हमारा डाटा सेंटर खुद का होता है तो हम किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते हैं, सारा डाटा हमारे पास ही रहता है, तो इसको कोई भी चुरा नहीं सकता। और आने वाले टाइम में जब ये वर्ल्ड लेवल का जो प्रोजेक्ट है, जब ये वर्ल्ड लेवल का प्रोजेक्ट बन रहा है, तो इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम्स से बचने के लिए इसको कंपनी क्या करेगी, इसको ब्लॉकचेन में डाल देगी, जैसे कि ये हर तरीके से, पूरी तरीके से ये सेफ रहेगा, ये चारों तरफ से सेफ हो जाएगा। ना तो हमारा डाटा कोई चोरी कर पाएगा, ना हैक कर पाएगा, ना डिलीट कर पाएगा, ना एडिट कर पाएगा, यहाँ तक कि कंपनी का ओनर भी इसके अंदर कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमें ओ फाउंडर क्यों करना चाहिए, ताकि हम सब लोग इस कंपनी में आने के बाद में हम अपने जीवन को एक 360 डिग्री पर चेंज कर सकें, और जितनी भी इनकम्स इसके अंदर जनरेट होने वाली है वो एक पैसिव इनकम जनरेट होने वाली है। एक पैसिव इनकम के लिए इस दुनिया का सबसे सात आठवां अजूबा बोला जाता है। सात अजूबे इस दुनिया में, लेकिन आठवां अजूबा कौन सा है? पैसिव इनकम। एक पैसिव इनकम एक ऐसी इनकम होती है जो आठवें अजूबे के रूप में यह इस दुनिया में जो आई हुई है। और जो लोग पैसिव इनकम के लिए काम करते हैं वो कभी भी पैसे के लिए दुखी नहीं रहते हैं, और पैसा हमेशा उनके लिए काम करता है। लेकिन जो पैसिव इनकम जो हमेशा आती है ना, वो एक सिस्टम से आती है। अगर आप किसी सिस्टम के अंदर ढल जाते हैं या फिर आप किसी सिस्टम के अंदर आ जाते हैं, तो वो सिस्टम आपके लिए काम करता है, आप उसके लिए काम नहीं करते हो। सिस्टम जब आपके लिए काम करने लगता है तभी वहाँ से ही पैसिव इनकम आती है। तो ऑन पैसिव एक सिस्टम है, ऑन पैसिव एक बहुत बड़ा सिस्टम है, ऑन पैसिव एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म बनने वाला है, जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से एक बहुत बड़ी इनकम यहाँ पे जनरेट होने वाली है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो पैसिव इनकम है, इस पैसिव इनकम को पाने के लिए और आने वाली जो हमारी कई पीढ़ियाँ हैं उसको सुरक्षित करने के लिए हमें ऑन पैसिव के अंदर ओ फाउंडर करना चाहिए। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो डेडलाइन मिलने से पहले आप अपना पेड करा लें, और अपना जो रजिस्ट्रेशन किया है उसमें अपना पेमेंट करके अपनी आईडी को पूरी तरीके से सुरक्षित कर लें। तो दोस्तों, ये था हमारा आंसर कि हम ओ फाउंडर क्यों करें। तो आपको आंसर मिल गया होगा आई होप, और अगर आपको आज का जो आंसर है वो आपको मिल गया है, और बहुत सारे जो नए फाउंडर्स हैं उन लोगों को नहीं पता कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, हमें यहाँ पे आकर के क्या करना है, तो उन लोगों को ये आंसर आप दे सकते हैं।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। एक मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के अंदर एक नई एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। वी आर इन इट टू विन इट।